इतिहास गवाह है कि घोड़ों के बल पर कई युद्ध लड़े गए। कई कई लड़ाइयों का फैसला तो मात्र घोड़ों और उन पर सवार योद्धाओं की भुजाओं में तैर रहे बाहुबल ने कर दिया। भारत के इतिहास के उन महायुद्धों को जब हम याद करते हैं तो हमारे सामने हमारे महावीर योद्धाओं की घोड़ों पर सवार गरजती सेना की स्वराज्य की आग वाली दहाड़ सुनाई पड़ती है। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ नमन करते हैं उन महान घोड़ों को जिन पर सवार होकर हमारे योद्धा युद्ध घोष का ऐलान किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े। शिवाजी महाराज का मानना था कि योद्धा को अपना घोड़ा बदलते रहना चाहिए। शिवाजी महाराज की हिंदवी सेना में भीमथड़ी नस्ल के घोड़े रखे जाते थे। इन घोड़ों को पहाड़ों पर्वतों पर मराठा योद्धाओं को लेकर चढ़ने के लिए तैयार किया जाता था ताकि पहाड़ों पर से शत्रु पर सीधा प्रहार किया जा सके। इसके अलावा अगर किसी शत्रु या सेना को घेर कर मारना होता तो अरबी नस्ल के घोड़ों का उपयोग किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 50 सालों के जीवन काल में कुल 7 घोड़ों का उपयोग किया। मोती विश्वास, गजरा, रणवीर, कृष्णा, तुरंगी और इंद्रायणी। महाराज अपने शासन के अंतिम दिनों में कृष्णा घोड़े पर ही सवारी किया करते थे। यह तेज सफेद रंग का ऑस्ट्रेलियन घोड़ा था। साल 1674 में हिंदवी स्वराज्य की शपथ के दौरान शिवाजी महाराज ने कृष्णा घोड़े को अपने लिए चुना। इस शपथ के समय राजमाता जीजाबाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब महाराज माता से मिलने इसी घोड़े पर बैठकर गए थे। महाराज की सेना में नर और मादा दोनों तरह के घोड़े थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा। दुनिया के सबसे महान स्वामी भक्त घोड़ों में गिना जाने वाला महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसे हम बारंबार नमन करते हैं। ईरानी मूल का चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। एक समय की बात है, गुजरात का एक व्यापारी अपने 3 घोड़े लेकर मारवाड़ के दरबार में आया, जहां महाराणा हुकुम पहले से मौजूद थे। व्यापारी के पास 3 घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। चेतक घोड़े की इंद्र श्वेत चमक ने सबको अपना दीवाना बना दिया। राणा श्री ने तीनों घोड़े खरीद लिए। अटक घोड़े को मारवाड़ में परीक्षण के लिए भेज दिया गया। त्राटक घोड़े को महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को महाराणा प्रताप ने अपने लिए चुना। चेतक महाराणा प्रताप को बहुत अधिक प्रिय था। हल्दी घाटी के मैदानों में चेतक ने दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्रहार किया। मान सिंह के हाथी के माथे पर चढ़ गया। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाया और एक बरसाती नाला उलांघकर अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का घोड़ा। साल 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के किले पर अपनी जीत का झंडा बुलंद किया। महाराजा को घोड़ों से बहुत लगाव था और तो और इनकी सेना में बेहतरीन घोड़े ही भर्ती किए जाते थे। इसी समय महाराजा के दरबार में एक यूरोपीय अफसर बेरन चार्ल्स आया। उसने महाराजा को बताया कि पेशावर के सरदार यार मोहम्मद खान के पास सीरी नाम की एक बेहतरीन घोड़ी है, जिसकी रफ्तार सबको हैरान कर देती है। इस घोड़ी को पाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह द्वारा कई दूत यार खान के पास भेजे गए, पर वो घोड़ी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अंत में यूरोपीय जनरल वेंतोरा को भेजा गया, जो ये घोड़ी लेकर महाराज की सेवा में हाजिर हुआ। कहा जाता है कि इस घोड़ी को लाने में उस जमाने के 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे। महाराजा ने इस घोड़ी को लेला नाम दिया था, जो महाराजा रणजीत सिंह को बहुत अधिक प्रिय थी। आइए अब सिकंदर के घोड़े बुकी फाइलस की बात करते हैं। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से ईरान को रोनते हुए भारत आया। इतनी लंबी यात्रा उसने अपने प्रिय घोड़े बुकी फाइलस पर की। जब सिकंदर मात्र 13 साल का था तब उसने इस घोड़े को मैसेडोनिया के एक व्यापारी से खरीद लिया था। बुकी फाइलस सिकंदर की विजय यात्रा और भयानक युद्धों में उसके साथ रहा, पर जेलम के युद्ध में राजा पोरस से जब सिकंदर की टक्कर हुई, उस समय राजा पोरस के कुमारों ने सिकंदर के घोड़े को तीरों से तार तार कर दिया। उस घोड़े की याद में सिकंदर ने जेलम के किनारे एक बुकी फाला नामक नगर की स्थापना भी की, जो अब पाकिस्तान में है। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
आपका आभार धन्यवाद। जुड़े रहिए।